हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे मोर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं मोरों के बारे में। मोरों की तीन प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं, भारतीय मोर, कांगो मोर और हरा मोर। तीनों प्रजातियां एशिया की मूल निवासी हैं, लेकिन आज आप उन्हें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी देख सकते हैं। आपको एक दिलचस्प जानकारी बता दें कि लगभग 4.9 फीट बड़े पंखों के साथ मोर धरती पर उड़ने वाली सबसे बड़े पक्षियों में से एक है, जबकि इनकी जमीन पर दौड़ने की औसत गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। जिन्होंने मोर को देखा होगा वो मोर की सुंदरता से भली भांति परिचित होंगे। वैसे तो प्रकृति में बहुत प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जो अपनी सुंदरता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इन सभी में मोर का सर्वोच्च स्थान है, जिसकी सुंदरता को देख लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। और जब बारिश का मौसम होता है तो मोर खुश हो जाते हैं और ये नाचने लगते हैं, तब इनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि वो मोर को नाचते हुए देख सके। कई लोगों को मोर और मोरनी के बीच का अंतर समझ नहीं आता, तो चलिए आपको स्पष्ट कर दें कि मोरनी की तुलना में मोर ज्यादा रंगीन और आकर्षक होते हैं। आइए जानते हैं मोर और मोरनी में और क्या क्या अंतर होता है। एक मोर की पूंछ पर औसतन लगभग 200 पंख होते हैं, जिनके अलग अलग रंग होते हैं और आकर्षक होते हैं, क्योंकि वे एक रंग पैनल बनाते हैं। दूसरी ओर मोरनी के पूंछ में लगभग 100 के आसपास ही पंख होते हैं, जो सुस्त होते हैं, इसलिए देखने में आकर्षक नहीं होते हैं। इसके अलावा मोर के पंख ज्यादा और रंगीन होने के बावजूद बहुत लंबे होते हैं, जबकि मोरनी के पंख काफी छोटे होते हैं। यह समझना आवश्यक है कि मोर की लंबाई में पंखों की लंबाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मोर और मोरनी के बीच एक मुख्य अंतर यह भी है कि सिर्फ मोर नाचते हैं, मोरनी नहीं। मोर की आवाज करकरी होती है, जो 2 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे सकती है। मोर एक शर्मिला पक्षी है। ये जमीन पर रहने वाले होते हैं और खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। मोर ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ से वे पेड़ और पौधों तक आसानी से पहुँच सकें। मोरू को ज़्यादातर नीम, बरगद और पीपल के पेड़ पर आसानी से देखा जा सकता है। भारत में लगभग सभी जगहों पर मोर पाए जाते हैं। इनमें मुख्य स्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, जबकि विदेशों में भी मोर पाए जाते हैं। मोर एक बड़े आकार के पक्षी होते हैं, जिनके शरीर की लंबाई 100 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी ऊंचाई 200 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकती है। एक नर मोर का वजन 4 से 6 किलो तक हो सकता है, वहीं मोरनी का वजन 4 किलो तक हो सकता है। बात करें इनके भोजन की तो मोर सर्वाहारी होते हैं। मोर अपने खाने में फल, सब्जियां, कीड़े मकोड़े, छिपकली, चूहों और सांप आदि को खाता है। एक नर मोर 2 से 5 मोरनी के साथ संबंध बनाता है। इनमें से प्रत्येक मोरनी 6 से 7 अंडे देती है। मोरनी अपने अंडे जमीन में गड्ढा करके जमीन के अंदर देती है। मोरनी साल में 2 बार अंडे देती है। अंडों से बच्चों को निकलने में 25 से 30 दिन का समय लगता है। बात करें मोरू के जीवन काल की तो इनकी उम्र लगभग 10 से 25 साल तक के बीच होती है। दोस्तों ऐसी और भी मजेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।